नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के मुलताई में जन आंदोलन मंच के 20वें दिन रेल रोको आंदोलन में किन्नरों का समर्थन। बैतूल जिले के मुलताई से सर्वदलीय जन आंदोलन मंच के रेल रोको आंदोलन में आज सपना नायक एवं राधा नायक किन्नर की अगुवाई में किन्नर समाज ने आकर अपना समर्थन दिया। ये तो हर आंदोलन अपने आप में कुछ न कुछ विशेषताओं से भरा हुआ है, परंतु आज पवित्र नगरी मुलताई में रहने वाले किन्नरों ने अपना समर्थन दिया। कहते हैं कि किन्नरों की दुआओं में बहुत शक्ति होती है, उनकी दुआएँ कबूल होती हैं। मुलताई रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल एवं बैतूल हरदा संसदीय क्षेत्र के सांसद डीडी उइके से निवेदन किया कि मुलताई रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का स्टॉपेज किया जाए, जिससे कि मध्यम वर्गीय लोगों को नागपुर, जबलपुर एवं भोपाल आवागमन में सुविधा उपलब्ध हो सके। बैतूल जिला ब्यूरो राजेश खड़से की रिपोर्ट। से ये जो मुद्दा उठा है कि ट्रेनों का स्टॉपेज मुलताई में दिया जाए, तो इसका सबसे पहला ये होता है कि क्योंकि जो भी है यहाँ पे सब मध्यवर्गीय लोग रह रहे हैं, जिसके कारण अगर उनको कहीं जाना पड़ रहा है तो बस का या पर्सनल व्हीकल्स का सहारा लेना पड़ रहा है, और उसके कारण उनको जहाँ 10 रुपये उनका खर्चा आ रहा है वहाँ 20 से 30 रुपये देना पड़ रहा है। और आप जान रहे हो कि लॉकडाउन के बाद स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि लोगों को पास खाने के पैसे नहीं है, और अगर ट्रेन चलती है तो उनसे बेनिफिट्स ये होता है कि ट्रेन का सबसे मेन होता है किराया कम होता है। अगर देखा जाए तो एक उसका सबसे अच्छा नज़रिया होगा कि अगर ट्रेनों का स्टॉपेज दिया जाएगा तो लोगों को किराया कम लेगा। नहीं को अगर कहीं उसे जाना है तो व्यक्ति को जहां अगर जाना है तो बस वाले भी अभी देख रहे हैं कि यहां पे स्टॉपेज नहीं है, तो बस वाले जहां 30 रुपये लेना चाहिए वहां 50 रुपये ले रहे हैं बढ़ के। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं एक नज़रिया बता रही हूँ और एक बता रही हूँ कि किस तरीके से लोग एक दूसरे को ना समझ के इस समय का जो चीज़ है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं यही इसलिए चाहती हूँ कि हाँ यहाँ पे मुलताई में स्टॉपेज हो, ताकि आने जाने की कन्वीनियंस फैसिलिटी बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाए और लोगों के 2 पैसे बचे, ताकि लॉकडाउन जैसी स्थिति में और यहाँ पे जो मध्यवर्गीय परिवार है उनको उनकी तरफ से जो है आर्थिक सहायता खुद को मिल सके। जी, रेल रोको आंदोलन में जो आपने आज समर्थन दिया उसके बारे में जानकारी बताओ। जी, मैं सपना नायक फ्रॉम मुलताई। जी, मैं ट्रेन रोकने के समक्ष में हूँ। भाई, ये जो मुद्दा उठा है ये आम जनता की भलाई के लिए है, क्योंकि आने जाने के साधन के लिए आसपास की जनता को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आसपास के जो इंटरियल वाले जो क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण वाले शहर के हैं, ट्रेन नहीं रुक रही तो वो काफ़ी परेशानी को सामना करते हुए अपने मंजिल को आसान कर रहे हैं। इसके समक्ष में हूँ मैं कि भाई रेल मंत्री से हमारी और पीएम मोदी नरेंद्र मोदी से मेरा मतलब गुहार है कि भाई ये वाले जो संविधान मतलब इसको लागू किया जाए और ट्रेन रोका जाए। आपका नाम क्या है? मैं मुलताई से राधा नायक हूँ। जैसे कि अपने ये पढ़ने वाले बच्चे होते हैं कॉलेज के स्कूल के बाहर भी जाते हैं, बाहर शहरों में उनको भी दिक्कतें आती हैं, और ख़ास तो बच्चों के लिए है, क्योंकि पढ़ाई अगर उनकी ठीक से नहीं हो पाई तो बच्चे कहाँ से बढ़ेंगे आगे, देश अपना कहाँ से आगे बढ़ेगा। और इसीलिए हम लोगों का यही है बस हमारा, क्या सभी लोगों की इसके अंदर सुविधा है, आम नागरिक की भी, बच्चों की भी और हम जैसे लोगों की भी जो भी हैं, मतलब बस हमारी मोदी जी से यही गुजारिश है, इच्छा है कि यहाँ पे मुलताई में ट्रेन का स्टॉप दिया जाए।